डंकी नाच फिर चल चुका है। देखिए किस तरह से नोएडा में इन्होंने चक्का जाम कर दिया है। साहब कितनी एम्बुलेंस फंसी है, शायद राहुल गांधी का इसका मानना नहीं है। इनकी गाड़ी क्या हाथरस ही जाएगी? इनकी गाड़ी जो है वो राजस्थान क्यों नहीं जाती है? इनकी गाड़ी महाराष्ट्र क्यों नहीं जाती है जहां पर इनकी सरकार है और वहां पर भी रेप हुए हैं? देखिए किस तरह से राहुल गांधी ये नंगा नाच कर रहे हैं। क्या फिर आज राहुल गांधी लुढ़केंगे? क्योंकि आपने देखा था किस तरह से राहुल गांधी गिरे थे, क्या आज फिर ये गिरेंगे? और गिरेंगे जरूर। कैमरे वाला भी आपने नौटंकी का नाच देखा था कि राहुल गांधी ने किस तरह से नौटंकी नाच किया है। और आज फिर ये जा रहे हैं उस पीड़िता परिवार से मिलने। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आप भी बताइए, ये दुख बांटने जा रहे हैं या दुख देने जा रहे हैं? हमें तो किसी भी एंगल से नहीं लग रहा है कि राहुल गांधी प्रियंका गांधी वाड्रा दुख बांटने जा रही हैं। ये और भड़काने जा रही हैं, ये और आग लगाने जा रही हैं। क्योंकि देखिए किस तरह से इन्होंने रोड पर नंगा नाच अभी दो दिन पहले किया है और फिर से ये नंगा नाच करने के लिए हाथरस जाने के लिए रवाना है। आखिरकार जब वहां पर मीडिया बैन है, वहां पर धारा 144 लगा दी गई है, किसी को भी जाने की अनुमति नहीं है, तो उस किसी में भी राहुल गांधी और प्रियंका गांधी भी आती हैं। लेकिन ये लोग फिर भी नंगा नाच पर उतर आए हैं। आज हमें पता चला है कि राजनीति इतना गिर सकती है। विपक्ष होना सही है, लेकिन विपक्ष के नाम पर ये नंगा नाच करना बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगा देश। इनकी ये वीडियो देश याद रखेगा कि इन्होंने उस समय खिलवाड़ किया था जब प्रदेश की एक बहन के साथ गलत होता है, तब इन्होंने जाकर के वहां पर बदतमीजी की है, वहां पर सैकड़ों भीड़ लगाकर क्या साबित करना चाह रहे? जब कह सकते हैं जब पुलिस प्रशासन कुछ खास नहीं कर पा रही है, फिर भी ये लोग आज नंगा नाच कर रहे हैं, नोएडा जाम कर रहे हैं। इससे क्या मतलब है? नोएडा जाम करने का क्या मतलब है? पूछता है ओनली न्यू नेशन और राहुल गांधी को बताना भी पड़ेगा। आज फिर इन्होंने रोड जाम कर दिया है। ये कब तक रोड जाम करते रहेंगे साहब? इन्होंने महाराष्ट्र में पालघर में साधुओं की हत्या हो जाती है, वहां नहीं जाते, तो आज रोड पर उतर आए दोबारा से राहुल गांधी। हमारे सहयोगी हैं रंजीत चौहान, मैं उनको बुलाना चाहूंगा और अभी के खास अपडेट क्या है वो बताएंगे। रंजीत जी बताइए हमारे दर्शकों को कि राहुल गांधी ये न्याय कर रहे हैं या नंगा नाच कर रहे हैं, बताइए। देखिए, दलित बेटी के साथ जो कुछ हुआ उसको लेकर पूरा देश आज गंभीर है और दुखी भी है। लेकिन एक बेटी की मौत पर, मिसाल एक बेटी की मौत पर इस प्रकार राजनीति करना ये कहां तक जायज है? एक गंदी राजनीति हो रही है। जिस प्रकार से आपने ऑडियो सुना होगा, वीडियो सुना होगा, वायरल हो रहा है, कांग्रेसी कार्यकर्ता कहते हैं कि आप सरकार का 25 लाख मत लेना, हम आपको 50 लाख दिलाएंगे। सोचिए अब इस तरीके से राजनीति करना, एक के बाद बयान बदलना, और कहीं ना कहीं साजिश हो रही है। उत्तर प्रदेश में बलरामपुर में भी हुआ केस, नहीं जाएंगे बलरामपुर में हुआ। मिसाल में मेरा कहना इस बेटी मकसद है कि बेटी बेटी होती है, बिल्कुल, चाहे वो हाथरस की हो चाहे बलरामपुर की हो, वो भी किसी की बेटी, उसका भी कोई घर सुना हुआ है। उस माँ से पूछिए जिसके घर पर कोई अभी तक गया नहीं, विपक्ष अभी उसके घर पर एक बार भी नहीं गया, अगर क्यों नहीं गया? वहां नहीं जाएंगे क्योंकि यहाँ मीडिया कवरेज है, यहाँ से राजनीति कर रहे हैं, ये न्याय नहीं कर रहे हैं, ये राजनीति कर रहे हैं और वही हो रहा है। मीडिया कवरेज वहां भी मिलता है लेकिन वहां मुसलमान है। जी वहां आरोपी मुसलमान है और आप जानते हैं कि हमारे देश में राजनीति जो है वो दलित मुसलमान को लेकर की जाती है, जात धर्म को देकर की जाती है। ये कहाँ तक सही है बताइए आप हमें? इसमें एम्बुलेंस फंसी हुई है, इसमें कुछ बेरोजगार मजदूर ड्यूटी से ऑफिस जा रहे हैं, ठीक है, देखिए ये राहुल गांधी का काफिला है, काफिले में उनके लोग हैं, उनके समर्थक हैं, पूरा हाईवे जाम, ये वो हाईवे जाम के जिस हाईवे से पर मिनट हजारों गाड़ियां गुजरती हैं, उन हजारों गाड़ियों में 100-150 एम्बुलेंसों की जो गुजर रही होंगी, 50 एम्बुलेंस को जाने के लिए जगह नहीं दी जा रही है। कई ऐसे लोग हैं जिनके जाना बहुत जरूरी होगा, मौके पर पहुंचना बहुत जरूरी होगा, लेकिन पहुंच नहीं पा रहे हैं क्योंकि राहुल गांधी बाबा अपनी राजनीति चमकाने के लिए आ रहे हैं। नहीं रंजीत जी, मैं थोड़ा आपको रोकूंगा, ठीक है जो चल रहा है तो उनकी मर्जी है,
वो कर सकते हैं, लेकिन वहां जाकर ये करेंगे क्या? आप हमें बताइए, ये वहां जाकर पीड़िता घर में क्या ऐसा सबूत ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं? वही करेंगे ये जो भाई पहले किया है उन्होंने। अभी उस दिन आपने देखा होगा कैमरा दिखा रहे थे, कैमरा लाओ, मतलब ये कुछ नहीं, बस कुछ दलाल मीडिया चैनल है, उनके कैमरे माना चाहते हैं, कैमरे माना चाहते हैं। देखिए ये दलितों के कितने बड़े मसीहा है, ये गरीबों कितने बड़े मसीहा है। मैं कहता हूँ ठीक, मसीहा बनना जायज है, लेकिन मसीहा हिंदुस्तान के हर बेटी साथ बनिए, हर एक परिवार साथ बनिए, हर एक जात धर्म साथ बनिए, खाली किसी को लेकर राजनीति करना ये कहाँ तक सही है? 100% राजनीति, क्योंकि बीजेपी आज उसके पीड़ित परिवार को आर्थिक मदद दे रही है, बल्कि अपना सच छुपाने के लिए पैसा नहीं दिया जा रहा, बल्कि आर्थिक मदद दे रही है 25 लाख रुपए की। ये 50 लाख रुपए देकर क्या उगलवाना चाह रहे हैं? 50 लाख अच्छी बात है, किसी गरीब मदद करना अच्छी बात है, लेकिन वो 50 लाख सामने आकर देना, वो पीछे जाकर कहना कि हम आपको 50 लाख दिलाएंगे, आप ऐसे बयान दीजिए ऐसे बयान दीजिए, ये गलत है। आप दीजिए मदद, उसकी मदद करिए, उसकी बेटी खोई गई है, उसके हाथ से आप मदद करिए, जितना हो सके उतना करिए, उसको घर दीजिए, बार दीजिए, उसको पैसा दीजिए, सब कुछ दीजिए, लेकिन आप सामने आके दीजिए। अब सामने आइए कि मैं इस गरीब के लिए इतना पैसा दे रहा हूँ, मैं इसके लिए इतना ये सब कर रहा हूँ, उसके बच्चों को पढ़ाऊंगा, उसके बच्चों को नौकरी दूंगा, करिए ना साहब, कौन रोका है? लेकिन पर्दे पीछे करेंगे तो गलत है। आज राहुल गांधी जा रहे हैं, शायद ना पहुँच पाए, और बाकी पहुंच भी सकते हैं, ऐसा मैं कोई मोहर नहीं लगा रहा हूं, लेकिन क्या है फिर गिरेंगे? आपको लगता है हो सकता है, क्योंकि जब पहले भी आए थे गिरने के लिए आए थे, आज शायद उठने के लिए आए हूं, पहले आगे गिरे ये, अब उठेंगे। राहुल गांधी इतना गिर सकते हैं हमने कभी सोचा नहीं था, आपने सोचा नहीं? इससे पहले तो बहुत बार गिर चुके हैं, इतना गिर जाएंगे ये हमने नहीं सोचा। नहीं, अभी तक गिरे, इन्होंने पॉलिटिकल लेकर गिरे, अपनी राजनीति चमकाने के लिए गिरे, लेकिन आज इन्होंने जो जहाँ पे गिरे वो जगह सही नहीं थी, क्योंकि वो रेप कांड है। साल सबसे बड़ी बात है कि अभी तक इनको विपक्ष ने गिराया है, लेकिन इस बार राहुल गांधी खुद ही गिर गए हैं, खुद ही गिर गए अपने आप को। और इस रेप केस में, रेप केस जो घटना है, इसमें इन्होंने अपने आप को इन्वॉल्व कर अच्छा किया कि इन्वॉल्व किया, लेकिन इन्वॉल्व कर जो राजनीति की है वो गलत है, वो जायज है, नजायज है। मैं इससे बहुत ही दुखी हूँ, मैं चाहता हूँ कि विशाल आओ अपने बेट में। बिल्कुल बिल्कुल, आज देखा जिस तरह से राहुल गांधी ने दोबारा नौटंकी करना शुरू कर दिया है, ये नौटंकी ही है और कुछ नहीं है। ओनली न्यू नेशन इस तरह की घटनाओं को नौटंकी कहता है, क्योंकि वहां पर शासन प्रशासन ने किसी भी नेता मंत्री को आने जाने से मना किया है, फिर भी राहुल गांधी जा रहे हैं, प्रियंका गांधी जा रही हैं, और जाने के साथ आपको बता दूं ये अच्छा नहीं कर रहे। रोड जाम करना अच्छी बात नहीं है, कितनी एम्बुलेंस फंस चुकी होंगी, क्योंकि नोएडा सिटी साहब हाईवे है, और हाईवे पे पर सेकेंड एम्बुलेंस निकलती है, पर सेकेंड ऑफिस पहुंचने वाले ऑफिसर आते जाते रहते हैं, लेकिन उनकी गाड़ियों का चक्का जाम कर दिया गया है इस कांग्रेस द्वारा। कांग्रेस ने आज से नहीं, आज से भी इन्होंने इमरजेंसी लगाई थी साहब, ये तो छोटा मोटा केस है राहुल गांधी के लिए, आज फिर लुढ़केंगे, ऐसा कुछ अपडेट है। बाकी बने रहिए बड़ी खबरों के लिए ओनली न्यू नेशन साथ, बहुत बहुत धन्यवाद।